नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या झारखंड में अब सारे एग्जाम टाइम से हो जाएंगे। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, तो आज रांची में कई आंदोलन हुआ। सबसे पहले आपको दिखाएंगे युवा का आंदोलन, जो भारतीय जनता पार्टी का आज आंदोलन था। उनकी जो युवा ब्रिगेड थी, उन्होंने आंदोलन में आज क्या किया और सरकार की ओर से किस प्रकार से इसे रोका गया। इसके साथ साथ जेटेट को लेकर के भी आंदोलन हुआ, इस पर भी बात करेंगे कि जेटेट आंदोलन में क्या अब सिलेबस बदल जाएगा, क्या आश्वासन मिला है। चंपई सोरेन को बन्ना गुप्ता ने विभीषण कहा था, आज इस पर जवाब आना शुरू हो गया। लोगों ने पूछा कि अगर चंपई सोरेन विभीषण है तो फिर पूरी पार्टी में रावण कौन है, ये बताया जाए। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम को लेकर सरकार पूरी कमर कस ली है और तैयारी कर ली है कि हम परीक्षा ले करके रहेंगे। हालांकि सर्वे में बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि एग्जाम अभी नहीं हो तो अच्छा, इस पर भी बात होगा। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने कहा है कि होमगार्ड का वेतन जो है वो 2017 से बढ़ा हुआ वेतन देना चाहिए। और एक्साइज पुलिस की दौड़ हो रही है, इसमें हमारे युवा मौत के काल में चले जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। और जेपीएससी में क्या कोई सिंडिकेट है जो सिंडिकेट सारी चीजों पर बात करता है, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन आज की खबरों की शुरुआत करेंगे आपके साथ, और इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि बीजेपी की ओर से जो बीजेपी का जो भारतीय जनता पार्टी का जो युवा ब्रिगेड है, जिस युवा ब्रिगेड में भारतीय जनता पार्टी में इनका जो युवा ब्रिगेड है, तो युवा ब्रिगेड से जो हुआ है इस पर बात करेंगे आपके साथ में। और युवा ब्रिगेड ने जो है उसने भारतीय जनता पार्टी का जो युवा ब्रिगेड था, आज रांची में इसने बड़ा आंदोलन किया। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे झारखंड से कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, लेकिन अलग अलग जगह पर सरकार ने इसे रोका और जगह जगह पर इन्होंने बैरियर लगा दिया। खास करके मोराबादी मैदान में चारों ओर से कटीला तार लगाया गया। इसके बावजूद बारिश के मौसम में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट वहां पर पहुंचे। स्टूडेंट ने पूरा समर्थन भी आज दिया था, और यहां पर पानी का फव्वारा तक लगाया गया स्टूडेंट्स को तितर बितर करने के लिए। हर प्रकार की कोशिश हुई, स्टूडेंट बैरिकेडिंग को तोड़ दिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहां तक हुआ कि अंत में इस आंदोलन को जो है सरकार ने कहा कि ये इलीगल है। देखिए, सरकार जब भी कोई आंदोलन करता है तो गवर्नमेंट अपनी ओर से बोल देती कि इलीगल है, लेकिन बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट है वो आज यहां पर पहुंचे। और यहां पर पहुंचने के बाद जो मुद्दा आया, इसमें पहला मुद्दा आया कि बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए। तो पहला मुद्दा जो है वो बेरोजगारी भत्ता को लेकर के आया कि जितने भी स्टूडेंट हैं ये तमाम लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। मतलब इन लोगों को सरकार अगर नौकरी नहीं दे रही है तो इनको नौकरी तो नहीं दे रही, लेकिन बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। और बीजेपी ने कहा है कि वो अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हालांकि जेएमएम ने भी आज इसके विरोध में एक अपनी ओर से उसने अलग अलग मुख्यालय में रैली आयोजित किया था, जिसमें जेएमएम, देखिए बीजेपी तो अपना एक रैली कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आज अलग अलग जगह पर रैली की, और उसने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि वो सरकार के लिए जो है वो मुसीबत पैदा कर रही है जो नहीं करना चाहिए था। तो ये बीजेपी के ऊपर में आरोप आज लगाया गया है। दूसरा कि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप नौकरी दे देंगे तो फिर आंदोलन नहीं होगा। तो जॉब को लेकर के पूरी फोकस की गई आज के आंदोलन में। तो पहली जो आज की खबर थी कि बीजेपी का आज का आंदोलन सफल हुआ, उनके युवा ब्रिगेड का था, तमाम जगह से लोग गए, पुलिस ने रोकने की कई कोशिश की, कई जगह पर बैरियर लगाया, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता वहां पहुंचे और आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हुआ है। तो अब देखना होगा कि जेएमएम इस पर अपना स्टैंड क्या रखती है।
दूसरा जो आंदोलन हुआ है, सेकेंड वाला आंदोलन, ये आंदोलन जो था इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें, इस आंदोलन में भी आज स्टूडेंट की भागीदारी थी। तो आज ये आंदोलन था, दूसरा वाला वो था जेटेट को लेकर के, जेटेट को लेकर के भी आज आंदोलन हुआ। और आंदोलन में जेटेट का जो स्टूडेंट जेटेट देना चाहते हैं, आज तमाम लोग जेट कार्यालय गए, बाहर में बड़ी संख्या में स्टूडेंट को देखा। उसके बाद नियमावली तो जो बना था, मेन फोकस था आज का कि सिलेबस को लेकर के, कि सिलेबस में बदलाव होना चाहिए। तो ये जो सिलेबस का बदलाव था, इसे लेकर, सिलेबस को लेकर के आज बोला गया कि ठीक है, सिलेबस पर हम बदलाव करेंगे और आप लोग अब आंदोलन को, आज का आंदोलन को छोड़ दीजिए। हालांकि स्टूडेंट ने कहा कि वो आंदोलन छोड़ेंगे नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि सिलेबस बदलाव हो। सिलेबस जिस प्रकार का बनाया गया है, ये सिलेबस उनको आज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सिलेबस उनको नहीं चाहिए और इस सिलेबस को लेकर ही आज का जो बदलाव था उसे लेकर के था। तो आज जैक ने एक आश्वासन दिया है कि सिलेबस हम चलिए बदल देंगे। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस कीजिए, आपको पता ही है कि जेटेट का सिलेबस जो है वो जेपीएससी से भी ज्यादा खतरनाक बनाया गया है। खतरनाक का मतलब हुआ कि ये ऐसा सिलेबस है जिसको पढ़ना अति मुश्किल है, जरूरत से ज्यादा मुश्किल है। तो ये सिलेबस के लिए आज आंदोलन हुआ और आश्वासन दिया गया है कि चलिए ये सिलेबस हम नहीं बदलेंगे। ये एक प्रकार का एक आश्वासन है जो उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही नया सिलेबस आएगा, ऐसे में सितंबर में जेटेट एग्जाम नहीं हो पाएगा। आज की तीसरी प्रमुख खबर को ले लेते हैं, जिसमें चंपई सोरेन के लिए कहा गया है कि चंपई सोरेन जो है वो है विभीषण। और ये बोला किसने, ये तो जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा। तो आज तमाम लोगों ने सवाल पूछ दिया बन्ना गुप्ता से कि अगर विभीषण है चंपई सोरेन तो आपका इशारा है कि रावण कौन है, जेएमएम में और सरकार में रावण है कौन, ये बताइए। जाहिर सी चीज है कि बैकफुट पर तो आना पड़ेगा, बट बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम जो बोले उस बात पर अडिग है, पीछे नहीं हटेंगे। इसका जवाब चंपई सोरेन ने दिया। चंपई सोरेन आज से कोल्हान के 14 सीट के आज से दौरे पर है और 14 सीट का जो दौरा होगा इसमें चंपई सोरेन ने कहा है कि उनकी पूरी की पूरी लोगों के साथ वो मिलेंगे, हर जगह पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं का दिल टटोलेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको नया पार्टी बना ही लेना चाहिए। हालांकि वो अंदर से सोच चुके हैं नया पार्टी बनाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता के बीच जाकर के उनकी सहमति लेना वो चाहते हैं। तो चंपई सोरेन जो है वो कोल्हान क्षेत्र में ही पकड़ बनाना चाहते हैं। ये हेमंत सोरेन के लिए बहुत मतलब उदासी वाली खबर होगी, क्योंकि इससे जेएमएम को झटका लगेगा और उनका जो परंपरागत वोट है, हमने आज कई लोगों से बात किया, तमाम लोग आज चंपई सोरेन के साथ सिंपैथी रखे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर इनको मुख्यमंत्री रहने दिया ही जाता तो क्या दिक्कत हो जाता। देखिए समय समय की बात है, राजनीति है, रोज नया नया मुद्दा आ जाता है। हाईकोर्ट से भी आज एक खबर है, हाईकोर्ट ने कहा है कि जो होमगार्ड को पेमेंट बढ़ाने की बात की गई है, इनको अगस्त 2017 से बढ़ा हुआ पेमेंट देना चाहिए। इन तमाम लोगों को अगस्त 2017 से बढ़ा हुआ पेमेंट देना चाहिए, तो इससे सरकार पर एक बोझ तो बढ़ेगा, खर्चा, और सरकार कैसे देखती है ये देखना पड़ेगा। इन दिनों एक्साइज पुलिस की दौड़ हो रही है, इसमें जादूगोड़ा जमशेदपुर के पास ही जहां पर यूरेनियम का माइन से जादूगोड़ा, और जादूगोड़ा के पहले एक ग्राउंड है जहां पर ये दौड़ कराया जा रहा है, फिर
सड़क में भी करवाया जा रहा है दौड़। यहाँ पर एक स्टूडेंट की मौत हो गई पिंटू कुमार की, और इसके साथ साथ एक स्टूडेंट पलामू प्रमंडल में भी मौत के काल में चला गया। सवाल उठने लगा कि क्या दौड़ जिस प्रकार से कराया जा रहा सड़क में, क्या वो सही है? हमें लगता है कि जो लोग प्रैक्टिस किए हैं दौड़ का, उनको मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सांस फूलने लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जान बचेगी तभी तो आप कुछ करेंगे। तो जब कभी भी अंदाजा हो, आप सिर्फ सिपाही बनने के लिए पैदा नहीं हुए, आप एसपी भी बन सकते हैं, डीएसपी भी बन सकते हैं। तो अगर जो दौड़ में जा रहे हैं हमारे एक्साइज वाले भाई और बहन, उनको ये सोचना होगा कि जैसे ही उनको अंदाजा हो कि उनकी सांस फूल रही है, उनको उसी वक्त उसी समय उनको अपने आप को विड्रॉल कर लेना चाहिए। सिपाही से ज्यादा जरूरी है कि आपकी जिंदगी बचे, और इसमें कोई टूना टूटका नहीं करना है कि मिर्चा लेके दौड़ना है। हमने कुछ लोगों का वीडियो देखा, मिर्चा लेके दौड़ो तो मुंह में रुमाल डाल लेना, तो किसी ने बोला कि आप दाहिना हाथ फड़का देना, ऐसा नहीं कीजिए। ये जान नीम हकीम बहुतेरे, खतरे बहुतेरे। इसलिए आपको अगर अंदाजा थोड़ा भी है कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है, दर्द शुरू हो गया है चेस्ट में, बैठ जाइए ना, छोड़िए, हटाइए। सिपाही से बड़ी बड़ी कई नौकरी आएगी और जाएगी, लेकिन आपका जीवन चला गया वो नहीं लौटेगा, पूरा परिवार को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करते हैं, बालू में दौड़ने का प्रैक्टिस किए, रोड में दौड़ने का प्रैक्टिस किए, तो जरूरी है कि आपको अपने जीवन की कीमत पहचाननी होगी। अगर लगता है कभी कभी तबियत किसी का भी, तो हो सकता है कि किसी को बुखार है, डेट आ जाए, आपको तो दौड़ना है, आप रिक्वेस्ट कीजिए जाकर कि तबियत खराब है, अगर किसी का हेल्थ इशू है तो क्या जरूरत है आपको जान देने का, आप वहां पर रुकिए। और मैं सरकार से, हम सरकार से डिमांड करेंगे कि जिस बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना हो जा रही है, उनको उनके परिवार को कम से कम आप 20-30 लाख रुपए की आप निश्चित रूप से अनुदान दीजिए, क्योंकि वो परिवार का एक होनहार बच्चा जिसके दम पर उसका परिवार चल रहा था, वो परिवार को लेकर के चल रहा था, ऐसे बच्चे की मौत हो जा रही है, कारण जो भी हो, लेकिन सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि कोई जानबूझ करके नहीं मरता है, ये समझना पड़ेगा सरकार को, और थोड़ी सी मदद की जरूरत होगी। और आप लोगों से अपील होगा कि जो लोग सिपाही की दौड़ में जा रहे हैं, एक्साइज पुलिस की दौड़ में जा रहे हैं, आगे भी जिला पुलिस की दौड़ में जाएंगे, तमाम लोग अपने जीवन को बचा करके चलेंगे। कभी भी लगे कि छाती में सीने में दर्द उठ गया, सांस फूल रहा है, आप छोड़ दीजिए दौड़ को, एक दौड़ छोड़ देंगे 1000 दौड़ आएगा, फिर आप रहेंगे तभी तो क्वालिफाई करेंगे। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखना है। जेपीएससी के बारे में भी खबर आ रहा है कि जेपीएससी में एक सिंडिकेट चल रहा है। सोचिए, ये पहली बार जब हम बिहार में बहुत दिन के बाद गए थे तो वहां पर हमने सुना था कि एक सिंडिकेट होता है। उस समय में वहां पर शराब पर ठीका मिलता था, तो सिंडिकेट बनाया जाता था और अलग अलग सिंडिकेट जो है वो ठीका हासिल करते थे। फिलहाल बिहार में शराब बैन है, लेकिन लोग बताते हैं कि वहां पर शराब आसानी से मिल जाता है। सिंडिकेट जो है ये जेपीएससी में कैसे आया? जेपीएससी में अब ये आरोप लग रहा है कि वहां पर कुछ मेंबर के साथ वर्तमान सरकार की कुछ मंत्री और विधायक जो है वो मिलकर के एक सिंडिकेट बना लिए, और ये लोग तय करते हैं कि क्या वैकेंसी आना चाहिए, इसका रिजल्ट कब होना चाहिए, इसका कॉपी कब दिखाना चाहिए, इसका फाइनल लिस्ट कब जारी होना चाहिए, इसमें एज क्या होना चाहिए, कॉपी चेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तय करने वाले जो है वो सिंडिकेट के लोग हैं। ये खबर जैसी आया, चर्चा का बाजार गर्म हो गया, लोग कहने लगे कि अब जो ये जो जेपीएससी वाली कहानी चल रही है 13, क्या इसमें ये सिंडिकेट हावी है? तो अगर हावी है तो क्या कोई रेट भी चल रहा है? क्या कोई रेट ऐसा है जिस पर ये सिंडिकेट काम कर रहा है? ये लोगों का सवाल है, हमारा सवाल नहीं है। कि सिंडिकेट जब है तब तो बहुत विकट स्थिति है देश की, कि सिंडिकेट यहां पर राज्य में, राज्य लोक सेवा आयोग में कर रहा है। और ये आरोप सिर्फ स्टूडेंट लगा रहे, ऐसा बात नहीं है। ये जो
रिटायर किए मेली नीलिमा केरकेटा जी, उन्होंने भी कह दिया कि वो बहुत कुछ करना चाहती थी, सिंडिकेट ने करने नहीं दिया। तो सिंडिकेट कौन है ये समझना जरूरी है। और अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण खबर था कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर के सरकार का क्या योजना चल रहा है। देखिए स्टूडेंट के बीच में तरह तरह की बात होती रहेगी, परीक्षा हो नहीं हो, बहुत सारे लोग बोरे नहीं होना चाहिए, बहुत लोग बोरे नहीं हो जाना चाहिए, देखा जाएगा आगे जो होगा। लेकिन आज जो रैली हुआ ना बीजेपी का, इससे सरकार डर गई है। अब सरकार को लगेगा कि युवा तो पूरा बीजेपी के साथ चला जा रहा, किसी जमाने में जेएमएम के साथ था, यही एम एस धोनी की भाषण देते थे कि जो हमसे टकराएगा, जो युवा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कई इनकी वीडियो है पुरानी। अब आज ये युवा सेम, देखिए राजनीति में स्थितियां और परिस्थितियां बदल जाती है, नारा वही है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, नारा तो वही है, सिर्फ व्यक्ति बदल गया। हेमंत सोरेन इस ओर आ गए, बीजेपी उस ओर चला गया, फिर से स्टूडेंट अब बीजेपी के साथ नारा लगा रहे। तो सरकार चाहती है कि वो एग्जाम ले, वो लेने की हर कवायद कर रही है। देखिए सोशल मीडिया में हम क्या बोले, दूसरे लोगों ने कमेंट क्या लिखा, सरकार क्या कर रही है, सरकार इस समय परीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रही है। सरकार बोले कि हम एग्जाम लेंगे,